जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक बांसगांव सांसद कमलेश पासवान की अध्यक्षता में अनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कमलेश पासवान ने कहा कि शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि जनमानस को शासकीय योजनाओं की बेहतर जानकारी हो सके। कमलेश पासवान ने कहा कि योजनाएं गरीबों के हित में संचालित की जाती हैं और उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कोई भी पात्र लाभार्थी शासकीय योजनाओं से वंचित ना रहने पाए। सांसद ने कहा कि जो भी कार्य कराया जाए उसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होता है। कमलेश पासवान ने कहा कि बैठक में लिए गए निर्णयों का 100% अनुपालन समयबद्धता के आधार पर अवश्य किया जाए। इस अवसर पर उन्होंने भारत सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का विधिवत समीक्षा किया तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों को सुनने के पश्चात संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% अनुपालन गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने अध्यक्ष सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों का समयबद्ध ढंग से 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, डॉ. विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, संत प्रसाद, संगीता यादव, विपिन सिंह, शीतल पांडे, विधायक प्रतिनिधि गणेश दत्त त्रिपाठी एवं ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के अलावा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लगातार तीन मीटिंग से मेरा ये मांग था कि सड़क कर दिया जाए। सभी लोग कह रहे थे, मेरे हिसाब से तो मैंने कहा था कि मैं मीटिंग तभी चालू करूंगा जो हम जनप्रतिनिधि पिछले कई वर्षों से लगातार एक ही विषय को लेकर उठाते रहे। इस मीटिंग का महत्व क्या रह जाएगा? हम सब लोग अपना एक महीने से तैयारी करते हैं, हमारे चाहे प्रमुख गण हो चाहे जितने लोग इस मीटिंग में आकर चित्र रहते हैं कि आने के लिए हम लोग इसलिए तो आते हैं कि हम अपने क्षेत्र की बात को उठाएं और उम्मीद करते हैं कि दोनों लोगों की बात जाएगी तो उसको हम पूरा करेंगे। अगर उसकी बात नहीं होगा तो फिर बेकार है इस मीटिंग का। फिर हमको भारत सरकार से शिकायत करेंगे इस बैठक का कोई मतलब नहीं है और हम लोग की बात सुनी नहीं जाती। इसको प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इसे काम करना है जो कार्रवाई करेंगे। सर जो है हमारा जो पिछले साल जो है 17,129 लक्ष था उसमें से जो है वो हमने सर जो है लगभग 50% पूरा कर लिया है जी सर। और इस साल सर जो है हमारा लक्ष्य घटकर जो है 9,181
भी हुआ था, लेकिन आज फिर से घट गया है 9,025 को लग गया है। वो मतलब लक्ष्य घट जा रहा है, उसमें ये बना रहे 77% शिक्षित कर दिया, और उसमें 4,000 जो नंबर बता रहे वो पहली किस्त ये अभी रखा है, ये वो रखते हैं जो अभी दोबारा दिया। पाँच महीने में चुनाव में हम लोग को जाता है सर, और ये बहुत बड़ी समस्या होगी जब हम सब लोग गाँव में जब जाएंगे तो सब लोग आवास पाएंगे। सर इसमें ये है अभी ये टोटल खुला है कि हम लोग एक महीने के अंदर ही सब सोच सकते हैं, जितने भी सब लोग नए निर्वाचित हुए हैं उनसे संपर्क करके उनसे बात करिए सर, क्योंकि आप जाते आपसे ज़्यादा अच्छा ये लोग बता पाए सर। सर सर इसमें कट गया 9,035 आ जाएगा फिर से आगे आगे सर 2-3 महीने में दोबारा का फिर हम उसको देते हैं, ये पीछे से आता है भारत सरकार से आता है, यहाँ से नहीं होता सर, आईएमएफ से होता है। ये थोड़ा सा जो पिछली बार आदेश दिया गया था दूसरा सर पिछली बार जो आदेश दिया गया था सर्वे कर लिया जाए, तो सर्वे सब जगह जो कंप्लेंट्स आई हैं इसके अलावा सर्वे हुआ है जो पात्र लोग हैं वो सर ऐप जो खुलेगा खुलने वाला ऐप सर प्रधानमंत्री आवास सहायता तो ये सर प्रधानमंत्री आवास सहायक बयान सर। नमस्कार सर, आपकी सही आजीविका मिशन में 2020 पूछा था जो पिछला बैठक हुआ था सर, तो जो पिछला बैठक हुआ था तो उसके अनुपालन कोर्ट में भी कैसे और सर इसका जो अभी तक का रिव्यू है सर, इसका अभी समीक्षा के नजर सर 23,000 प्रोग्रेस इसमें टोटल 31,378 सैंक्शन आवास के साथ। ये प्रमुख जिलों की ये सोचे बहुत अच्छी योजना है, अगर करते हैं फिर और पैसा उनको मिलता है तो एक समूह को पूरा फायदा मिलता है, आप लोग भी इसमें सक्रिय रह के अगर मिलेंगे तो इसमें बहुत लोगों का फायदा हो जाएगा, एक समूह उसको आप लोग नए निर्वाचित हुए हैं इसको आप लोग भी पढ़े और उनसे संपर्क करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत लोगों का लाभ हो जाएगा। कितने ऐसे लाभार्थी हैं जो आवेदन कर चुके हैं जिनका काम हम उनको एक भी किस्त सैंक्शन नहीं कर पाए हैं, किन किन कारणों से नहीं कि हम विशेष रूप से नगर निगम गोरखपुर की बात कर रहे हैं लागू संपर्क हो जाएगा सर। सर हाँ लगभग 6,000 कंपनी का डेटा जब ये कोरोना आया मार्च